डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। मैंने इतने तो आपको टॉपिक वन बाय वन करके बता दिए हैं, अब ये लास्ट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसमें कंपलसरी है, चार क्वेश्चन कंपलसरी, इसमें और क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ठीक है, ये तो करने ही होते कंपलसरी। तो इसमें देख लेते हैं कितने कम समय में आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कॉलम एंड कंडीशन एंड इसके इफेक्टिव बोला है, ठीक है, इफेक्टिव तो नहीं बोला, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ ही फाइंड आउट करने होते, इसीलिए दिया हुआ होता है। तो नहीं लिखा है तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने होते। तो पहला उसमें जो होता है वो बता देता हूं कि बोथ एंड अगर हिंज हो, बोथ एंड हिंज्ड हो, ठीक है, हिंज्ड होने का मतलब होता है क्या, किस तरीके का डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम, देखिए ये हिंज का सिंबल है, ठीक है, हिंज का मतलब होता है कि वर्टिकल भी सपोर्ट होता है और हॉरिजेंटल भी सपोर्ट होता है, ये इस तरफ भी नहीं जाने देगा और इधर भी नहीं जाने देगा, लेकिन रोटेट ऐसे होने देगा, तो इसका इफेक्टिव जो होता है ना, इफेक्टिव लेंथ यहां से एंड टू एंड होता है, मतलब जितना मान लो ये एल था पहले, तो इसका इफेक्टिव भी कितना होगा, एल ई ही कितना होगा, मतलब यहां पर अगर बोल सकते हैं कि जो एल ई होगा इफेक्टिव लेंथ वो एल कितना ही होगा, इसमें कोई पूरा का पूरा इफेक्टिव मतलब इफेक्ट होगा, इसमें पूरा का पूरा लेंथ पर इफेक्टिव आएगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको एक्चुअल लेंथ बोलते हैं और इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, आप एक बार लिख भी लेना एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम और इफेक्टिव लेंथ ऑफ, आपके साथ ही मैं लिख रहा हूं और टाइम भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम इसको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोथ एंड अगर फिक्स हो, मतलब 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, उसी में कहा है बोथ एंड फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो जब बोथ एंड फिक्स मतलब इस तरीके का होता है, इस तरीके का होगा, ठीक है, मान लो ये L है तो इसका कितना इफेक्ट करेगा, तो इसका इतना ही इफेक्ट करेगा, वो कितना होता है वो चीजें बता रहा हूँ, ये कितना होता है, ये जो होता है ये एल ई है, तो कितना है, तो ये जो एल ई होता है वो एल बाई टू जितना होता है, ठीक है। तीसरा भी बता देता हूँ, तीसरा क्या होता है कि एक एंड फिक्स हो, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड हो, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड हो, मतलब इस तरीके का हो, ये तो L है यहां से यहां तक, और इफेक्टिव कितना होगा, यहां से यहां तक आएगा, ये इफेक्टिव लेंथ है यहां से यहां तक, तो इसका एल ई कितना होता है, एल अपॉन रूट टू जितना होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चौथा, बोथ एंड, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री हो, अगर मान लो कि वन एंड फिक्स होगा एंड अदर क्या होगा, फ्री होगा, अदर एंड फ्री है, मतलब इस प्रकार से हो, इस तरीके से ऐसे अगर हो, तो अगर इसके ऊपर लोड, सब पे देखिए लोड ये पी लग रहा है, सबके ऊपर ये पी लोड लग रहा है, सबके ऊपर पी लोड लग रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका ऐसे इफेक्ट पड़ता है, इतना होता है, मतलब इफेक्टिव लेंथ जो एल ई होगा वो इसका डबल हो जाएगा, इस एल का डबल हो जाता है, मतलब एल ई इक्वल टू क्या हो जाता है, टू एल जितना होता है, इसके डबल जितना इफेक्ट करेगा, ठीक है, इसका इफेक्टिव लेंथ होगा, तो ये लॉजिक था, ठीक है। कुछ 5A का आ गया, फिर 5B का देख लेते हैं, 5B क्वेश्चंस आपके, सबसे पहले तो क्वेश्चन